80 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी जब मेरे पास बैंक में 40 का बैंक बैलेंस था, तो 80 रुपए बड़ा लगता था। उसके बाद 800 रुपए किसी दिन सेविंग अकाउंट में हो गए तो वो बहुत बड़ा लगता है। तो 80 छोड़िए, 800 छोड़िए, 8000 छोड़िए, 80000 छोड़िए, 8 लाख छोड़िए, 80 लाख कमाया नहीं है, खर्चा किया है मैंने। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. Guys, this is Anjana Ritoria, 40 se 40 crore lockdown ke wo 40 anke author, jiska English version hai 40 to 40 million, which is available on Amazon. Uske baad maine second book likhi thi, Karodo ki Baatein, jiska English version hai My Million Dollar Advice, jo ki New York se publish hui thi, isliye Amazon.com pe milegi. Hindi wali book kafi sare platform pe mil jayegi, aap Google kar sakte hain, Amazon pe dhoond sakte hain. Aaj main baat karne wali hoon कि आज करोड़ों की बातें करते करते, चाहे वो 40 से 40 करोड़ हुआ या करोड़ों की बातें हुआ, करोड़ों का कप हुआ या करोड़ों का जर्नल हुआ या फिर करोड़ों का पासपोर्ट कवर हुआ या फिर करोड़ों का वॉलेट हुआ जो आप सबके घर में पहुंच के आप सबको ब्लेस कर रहा है और सबके पास पैसे आ रहे हैं, ये करते करते आज करोड़ों शब्द पे मुझे ट्रेडमार्क लेना पड़ा। आज करोड़ों की बातें करने का अधिकार ऊपर वाले ने मुझे ही दिया है। एक बात बताना चाहती हूँ कि 2021 में जब मेरा ये सफर शुरू हुआ था, क्या ये इतना आसान था? मैं वही लड़की हूँ जो 26 रुपए का बैंक बैलेंस रखती थी जून में, कभी 40 का, कभी 70 का, सबको ये कहानी पता है। और अभी अभी जब 6 महीने अमेरिका में रही, 80 लाख रुपए खर्च करके आई हूँ। सब लोग बोलते हैं यार ये इतना आसान है, मैं बोलती हूँ हाँ ये इतना आसान है, ये बिल्कुल आसान है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग से शुरू किया था मैंने ये अपना सफर, जब मैंने 40 से 40 करोड़ बुक लिखी थी। धीरे धीरे मैं इवॉल्व होती गई, मैं समझती गई कि अब वाकई में इतना आसान है क्या, जितना आसान मैं बोलती हूँ उतना आसान है, या फिर कुछ अलग लोग हैं जो इस धरती पे है जो मुंह से बोलते हैं और चीजें हो जाती हैं। तो जब मैंने बहुत पढ़ा, जब मैंने बहुत समझा, तब मुझे समझ में आया कि मेरी कहानी कुछ और ही है। आज एज अ लाइफ कोच बनते बनते, एक ऑथर बनते बनते, मैं कई घरों के लिए ब्लेसिंग्स बन गई हूँ। बहुत आश्चर्य होता है कि जब कई लोग लाइफ पे बोलते हैं मैम गॉड ब्लेस यू, बोल दो, मैं बोल देती हूँ और उनका काम हो जाता है। किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कोई बीमारी है, गॉड ब्लेस यू बोलने से हो जाता है क्या? जब मैंने बहुत डीप स्टडी की तो समझ में आया कि एक्चुअली आप जो बोलेंगे वो हो जाता है, अगर आप धरती पे, इस प्लैनेट पे 3 डायमेंशन में रहने की बजाय 5th डायमेंशन में रहते हैं तो यस ये संभव है। गाइज आप समझ गए हैं, करोड़ों की बातें करते करते मैंने शुरू कर दी है करोड़ों की एकेडमी, जिसका फर्स्ट इंटेंसिव कोर्स है जो मैं 14 जनवरी से शुरू कर रही हूँ 2024 से। 3 महीने का इंटेंसिव कोर्स होगा, उसमें मैं यही बताऊंगी कि एक्चुअली जो लोग 5th डायमेंशन में होते हैं उन्हें 3rd डायमेंशन वालों की तरह मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। सो अब आप चाहेंगे चाहे तो गूगल कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको 5th डायमेंशन की मिल जाएंगी। तो मैंने ये कोर्स क्यों शुरू किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हैं तो सही अवेलेबल, लेकिन जब तक आपका उस चीज के लिए प्रारब्ध नहीं है तब तक आपके सामने नहीं आती है। 5th डायमेंशन की अगर मैं बात कर रही हूं तो गूगल पे आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी, लेकिन क्या आप उसको उसी भाषा में समझ पाएंगे जिस भाषा में आपको समझना चाहिए, या अगर आपका प्रारब्ध है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अब्राहम हिक्स की टीचिंग को जब मैंने सीधे सच्चे सरल भाषा में अपनी 40 से 40 करोड़ बुक में लिखा और जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोज बनाने लगी तो बहुत सारे लोगों के लिए वो आसान हो गया। सो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जब तक आपका प्रारब्ध नहीं होगा आपको वो समझ में नहीं आएगा, जब तक वो आपके लिए सही नहीं होगा या आपके लिए उस वक्त की वो जरूरत नहीं होगा तब तक वो आपकी चीज आपके सामने ही नहीं आएगी। वक्त वक्त पे वो चीजें आपके सामने अनफोल्ड होती हैं, जैसे कि अब मुझे यूनिवर्स ने ये सब्जेक्ट दिया है कि करोड़ों की अकेडमी में अब दुनिया का हाथ पकड़ो, 3 डायमेंशन से 5th डायमेंशन में ले आओ। एक बात बताना चाहती हूँ, 3rd डायमेंशन से आज नहीं तो कल सबको निकलना ही है, ये आप तय करेंगे। यू आर द फर्स्ट वन टू लीव द 3rd डायमेंशन और यू आर द लास्ट वन। क्योंकि जब मैंने इतना स्टडी किया है तो समझ में आया जो 5th डायमेंशन के लोग होते हैं, जो 5th डायमेंशन में रह रहे होते हैं अर्थ पे, उनको सोचने की सिर्फ जरूरत होती है कि ये चाहिए वो चाहिए। जैसे कि आप मेरी जर्नी अगर देख रहे हैं, इतना आसान नहीं होता है। मैं वही लड़की हूँ कि 800 रुपए या 80 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी जब मेरे पास बैंक में 40 का बैंक बैलेंस था, तो 80 रुपए
में बड़ा लगता था, उसके बाद 800 रुपए किसी दिन सेविंग अकाउंट में हो गए तो वो बहुत बड़ा लगता है। तो 80 छोड़िए, 800 छोड़िए, 8000 छोड़िए, 80000 छोड़िए, 8 लाख छोड़िए, 80 लाख कमाया नहीं है, खर्चा किया है मैंने। ये सब हुआ है बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू 3-dimensional वर्ल्ड। जब बहुत स्टडी किया तो समझ में क्यों ये सारे डॉट्स तो ये बताते हैं कि मैं 3rd dimension की हुई नहीं। और दुनिया परेशान हो रही थी कि अंजना रितोरिया 24 घंटे खुश कैसे रह लेती हैं, झूठ बोल रही हैं। जब मैंने शुरू में बोलना शुरू कर दिया सबको कि अरे मैं 24 घंटे खुश रहती हूँ, मुझे दुख दर्द है ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, यू नो मेरे को कोई तकलीफ होती नहीं है, आई एम हैप्पी 24x7। सो कई लाइफ कोचेस ने मेरे अगेंस्ट काउंटर वीडियोज बना दिए कि ये झूठ बोलती है, ये प्रिटेंड करती है, क्योंकि शायद उनको नहीं पता था कि 5th dimension में शेम, गिल्ट, अपसेट, टीयर्स, कोई भी दुख, तकलीफ, डिजीज, सफरिंग सिर्फ 3rd dimension में होती है, 5th dimension में होती नहीं है। एंड दैट वॉज द ओनली रीजन कि मुझे इस तरह की चीजें होती नहीं थी, कोई नेगेटिव इमोशन मेरी जिंदगी में होता ही नहीं था और लोगों को लगता था मैं झूठ बोल रही हूँ। आज कई लाइफ कोच ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए काउंटर वीडियोज बनाए थे कि ये झूठ बोल रही है 24 घंटे खुश रहती है। आज वही लोग वीडियोज बनाते हैं कि यस खुश रहा जा सकता है 24 घंटे, क्योंकि अब शायद उनको अब समझ में आ रहा है जो मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। सो यस, करोड़ों की अकेडमी लॉन्च हो चुकी है और इसका पहला इंटेंसिव कोर्स है 3 months का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी 3rd dimension से 5th dimension में कैसे आया जा सकता है। आना तो है ही आपको, आज नहीं तो कल, बट जितनी जल्दी आप खुद 3rd dimension छोड़ के 5th dimension में आएंगे जिंदगी आसान होगी, वो सबके लिए होगी। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, आने वाला वक्त 5th dimension का ही है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मेरा अनुभव है। कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां हैं जो लाइफ कोच बन जाती है दूसरों के वीडियोस देख के या दूसरों के सब्जेक्ट देख के या 4 किताबें पढ़ के, अगर उनका अनुभव नहीं होता है तो सफलता रुक जाती है, पॉज ले लेती है, बढ़ती नहीं है या स्टडी चल रही होती है। लेकिन जब आपके नॉलेज में अनुभव होता है, अनुभव का तड़का डालते हो, अनुभव बताते हो, तब जाके ग्रोथ होती है। तो ये मेरा अनुभव है। 5th dimension के बारे में आप चाहे 4 किताबें खरीद लें, गूगल कर लें, लेकिन जब तक अगर वो आपका अनुभव नहीं है, आप उसको ना तो सिखा पाएंगे और ना ही वो महसूस कर पाएंगे। जब पूरी जर्नी मैंने देखी कि इतनी आसान कैसे हो सकती है और दुनिया की क्यों नहीं है, फिर मुझे जब ऊपर वाला देता है आपको, तो फिर आपके सामने उस तरह की चीजें आती जाती हैं, उस तरह का नॉलेज आता जाता है, अचानक कोई YouTube वीडियो पॉपअप हो जाता है, अचानक कोई Amazon पे बुक टकरा जाती है। इस तरह की चीजें अपने आप होती हैं जब ऊपर वाला चुनता है आपको, किसी सब्जेक्ट की मास्टरी देख के आपको जब उसका मास्टर बनाना चाहता है। क्योंकि लाइफ कोच मैं नहीं बनना चाहती थी, मैं तो टेलीविजन इंडस्ट्री की क्रिएटिव डायरेक्टर थी। मुझे ऑथर बनाया गया, मुझे टाइटल दिया गया किताब लिखने का कि लिख दो, अदरवाइज ऑथर्स तो पहले किताब लिखते हैं फिर टाइटल सोचते हैं, मुझे तो टाइटल दिया गया था, चाहे वो करोड़ों की बातों का हो या शब्दों की बातें, या जिस तरह के मैंने वेबिनार्स लिए हैं, या जिस तरह की अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक सारे देखें, एक अलग ही जर्नी रही है जो दूसरे लाइफ कोचेस से मिक्स या मैच नहीं करती है। सो शुरू में लोगों को नहीं समझ में आता था, अब दुनिया को समझ में आता जा रहा है कि अंजना रितोरिया एक ब्लेसिंग बन गई है। ब्लेसिंग क्यों बन गई? क्योंकि मेरा सिर्फ सोचना होता है कि जाओ इसका भला हो जाएगा, तो मैंने सोचा तो वो चीज होनी है, जब वो हो जाती है तो लोगों को लगता है शी इज अ ब्लेसिंग। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ ब्लेसिंग बिकॉज 5th dimension के जितने भी लोग होते हैं वो ब्लेसिंग बन ही जाते हैं, और इसीलिए भेजा जाता है और इसीलिए उनको एंट्री दी जाती है 5th dimension में। ऐसी बहुत सारी चीजें और डिटेल नॉलेज वो 3 महीने के इंटेंसिव कोर्स में मैं बताऊंगी, जो कि शुरू होगा 14th जनवरी 2024 से। 14 जनवरी है संक्रांति, उस दिन हम करेंगे एक 5D हवन और वहां से शुरू होगी आपकी 5th dimension की जर्नी, जहां पे सिर्फ सोचना होता है, मैनिफेस्ट नहीं करना होता है। सो बहुत लोग जानना चाह रहे थे क्या है 5th dimension, क्या होगा करोड़ों की अकेडमी में। सो बस ये पहला कोर्स है, फर्स्ट कोर्स है जो कि करोड़ों की अकेडमी में लॉन्च कर रही हूँ। अब कौन आ सकता है उस कोर्स के लिए? तो देखिए, मैंने नहीं सोचा था कि कोई अकेडमी खोलनी है, कोई क्लासेस खोलनी है, कोई कॉलेज खोलना है, बट ये हो गया। तो जब हो गया तो इसके एडमिशन के लिए हर कोई नहीं, देखिए अगर आप नर्सरी के हैं या अभी अभी आपने वीडियोस देखना शुरू किए हैं, आपको नहीं समझा पाऊंगी मैं, आपको बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक जर्नी जीनी पड़ेगी। सो यस, सिलेक्टेड एडमिशंस होंगे जिनके इंटरव्यूज होंगे, फिर से मैं बता रही हूँ कि आप उस भाषा को समझ सकें,
क्योंकि मैं समझाऊंगी वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आपने उसके कुछ फ्लैशेस नहीं लिए या जिंदगी में छोटे छोटे अनुभव नहीं किए। अगर आप वो छोटे छोटे अनुभव जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आपने लिए हैं तो आपको समझेगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सो यस, आप आयुषी से 8433558905 पे मैसेज कर सकते हैं या सोनाली को मैसेज कर सकते हैं, अपना डिटेल भेज सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन फिफ्थ डायमेंशन। और यस, आई वॉन्ट यू टू लीव थर्ड डायमेंशन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आने वाले वक्त में सभी फिफ्थ डायमेंशन में होंगे और फिफ्थ डायमेंशन वाले हायर डायमेंशन में जाएंगे। और एडमिशन यस स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज जनवरी में हम 14 जनवरी को संक्रांति से शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत नॉलेज है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन चुनिंदा लोगों के लिए, क्योंकि वो चुनिंदा लोग वो होंगे जो उस चीज को समझ सके, इसलिए ये हर किसी के लिए नहीं है। बट मैं चाहूंगी धीरे धीरे मैं YouTube वीडियोस पे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे सकूं जिससे आप जनरल से चुनिंदा इंसानों में आ जाए और फिर ये कोर्स करके अपनी जिंदगी को उतना ही आसान बना ले जितनी आसान मेरी जिंदगी है या मेरे अंजना आर्मी की जिंदगी, क्योंकि आप सब जानते हैं अंजना आर्मी बैच 5 में फिफ्थ डायमेंशन में ही उनको ले जाया जाएगा, उसमें भी कुछ चुनिंदा लोग आए थे। सो यस, आप यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन लीव द थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड एंड कम एंड एंटर इनटू द फिफ्थ डायमेंशन वर्ल्ड व्हिच इज एन अमेजिंग वर्ल्ड जहां पे कोई नेगेटिव इमोशन ही नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते दिखती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।